नमस्कार, आप देख रहे हैं बीवीएम न्यूज खबर 24। मैं आपके साथ कुसुम मिश्रा। आइए बढ़ते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों की ओर। पहली खबर फरीदाबाद से। फरीदाबाद पहुंचे हरियाणा के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली। उन्होंने पूर्व विधायक एवं वरिष्ठ भाजपा नेता टेकचंद शर्मा के कार्यालय पर शिरकत की। इस मौके पर सैकड़ों की संख्या में पूर्व विधायक टेकचंद शर्मा के कार्यालय पर स्थित कार्यकर्ताओं ने और पूर्व विधायक टेकचंद शर्मा ने प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली का जोरदार स्वागत किया। सर, आज पहुंचे हैं फरीदाबाद, पूर्व विधायक टेकचंद शर्मा के कार्यालय पर स्वागत हुआ, किस तरीके देखते हैं आप इस? ये भारतीय जनता पार्टी के जो पूरी टीम और सभी भारतीय जनता पार्टी के नेता एकजुट होकर इस विधानसभा 2024 का चुनाव स्पष्ट बहुमत की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की बड़े डबल इंजन की सरकार हरियाणा प्रदेश में नायब सिंह सैन जी के नेतृत्व में बने वो अभियान ये भारतीय जनता पार्टी का चला है। आज मैंने पलवल जिले का प्रवास किया है और बहुत मजबूती के साथ हमारे तीन विधायक पहले से ही यहाँ है, तीनों की तीनों विधानसभा की सीट भारतीय जनता पार्टी यहाँ जीत के आए, सब कार्यकर्ता काम में लगे। साहब, आज का दौरा किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि आज का दौरा बहुत महत्वपूर्ण है आने वाले विधानसभा चुनाव में? ये कार्यकर्ताओं को मिलने जुलने का, कार्यकर्ताओं में ऊर्जा भरने का और कार्यकर्ता एकजुट होकर पार्टी के काम में लगे, इसके लिए हम लगे। टेकचंद शर्मा जी को कहा देखते हैं भाजपा में, जिस तरीके से पार्टी हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, बड़ा स्थान रखते हैं, पब्लिक में पूरा प्यार प्रेम रखते हैं। आप देख रहे हैं किस प्रकार का जनसमूह आज छोटे से चाय के प्रोग्राम में है, ये भारतीय जनता पार्टी की ताकत। बजट को लेकर भी आज प्रेस वार्ता करने वाले हैं। ये बजट सर्वसपर्शी, सर्वहितेशी, सबका ध्यान रख के जो लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तीसरे टर्म की सरकार में सीतारमण जी ने पेश किया है, ये विकसित राष्ट्र बनाने का बहुत बड़ा जो संकल्प है उसको पूरा।